हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशीष मिश्रा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्ड इन वर्ड्स में। तो जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कि हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 वोकैब्स की। तो चलिए इसी के साथ बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज की दोस्तों हमारी पहली जो वोकैब है वो है सबवर्जन। सबवर्जन मतलब होता है दोस्तों विनाश करना, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, ख़राब कर देना, तबाह कर देना, नुकसान पहुँचाना। और वर्ड्स इसके हो सकते हैं डिस्ट्रक्शन, एंड मतलब ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। इसके सिनोनिम्स दोस्तों हो सकते हैं, पहला वर्ड दोस्तों है सिनोनिम्स का इसका सैबटास। सैबटास प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा, इसे प्रोनाउंस करते हैं सैबटास। और दूसरा है दोस्तों डिस्ट्रप्शन। सैबटास मतलब दोस्तों होता है तोड़ फोड़ कर कर किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाना। और डिस्ट्रप्शन मतलब दोस्तों होता है कहीं पर हंगामा करना, कहीं पर किसी मतलब किसी परेशानी का कारण बनना। और इसके दोस्तों एंटोनिम्स हैं कंटिन्यूएशन, मतलब कोई चीज़ बीच में कोई चीज़ रुके नहीं, कोई बाधा ना हो, वो लगातार जारी रहे। और अगला है दोस्तों असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब और किसी चीज़ में सहयोग करना, मदद करना। इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों, आई डोंट नो द एक्सटेंट ऑफ द अदर सबवर्जन। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इन्हें पता नहीं है कि दूसरे की जो सबवर्जन की एक्सटेंट है, दूसरे लोग कहाँ तक बर्बाद हो सकते हैं या उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो उसकी एक्सटेंट इन्हें पता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब दोस्तों होता है अस्पष्टता, किसी कोई चीज़ धुंधली दिखना, कोई चीज़ या फिर दिखना नहीं। और वर्ड दोस्तों हैं इसके नॉन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आप जानते हो जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं, तो नॉन लग गया तो उसका अपोजिट हो गया। अब दोस्तों इसके और भी जो मीनिंग्स हो सकती हैं वो ये हो सकती है कि किसी चीज़ के बारे में आपको कोई नॉलेज ना होना, किसी चीज़ को लेकर आप बिल्कुल अंधेरे में हो, तो वो। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं डार्कनेस। डार्कनेस मतलब आप जानते हो अंधेरा होता है। अगला है दोस्तों ऑब्सिक्योरिटी। ऑब्सिक्योरिटी मतलब दोस्तों होता है अस्पष्टता या फिर अंधेरा, धुंधलापन। एंटोनिम्स दोस्तों हैं इसके ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब आप जानते हो चमक होती है, फुल ऑफ साइन। अब अगला है दोस्तों कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब दोस्तों ऐसा जिसे सब कुछ पता हो, जिसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो, या फिर जो पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा हो उसके बारे में उसको नॉलेज हो, तो कॉग्निजेंस। अगला दोस्तों इसका एग्जांपल सेंटेंस है, आई कुड नॉट सी एनीथिंग ड्यू टू ओपेसिटी। मैं कुछ नहीं देख सका ओपेसिटी की वजह से, मतलब जो धुंधलापन था या अंधेरा था उसकी वजह से मैं नहीं देख सका। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है रैनक। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं। रैनक। रैनक मतलब दोस्तों होता है इनकार कर देना, गो बैक ऑन अ प्रॉमिस। कोई भी जो प्रॉमिस है उससे आप वापस चले गए, मतलब मुकर गए हो। इसके सिनोनिम्स दोस्तों हो सकते हैं रिवर्स। रिवर्स रिवर्स मतलब दोस्तों होता है पलट जाना, घूम जाना। और वेल्स। वेल्स मतलब दोस्तों होता है धोखा देना। अब इसके एंटोनिम्स दोस्तों हो सकते हैं करेक्शन। करेक्शन मतलब दोस्तों होता है आप जानते हो कि किसी चीज़ में सुधार करना। और अगला है दोस्तों एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होती है दोस्तों शुद्धता किसी चीज़ की, या फिर कह सकते हैं किसी चीज़ की पवित्रता। अब इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों, पीपल हैव रेनेक्ड ऑन अ कोर प्रॉमिस लेड आउट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग हैं वो मुकर गए हैं या नकार गए हैं जो कोर प्रॉमिस है। कोर प्रॉमिस मतलब दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं जो मेन प्रॉमिस था इन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब दोस्तों होती है प्रस्तावना। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल में जो कोर प्रॉमिस था उसी से लोग पलट गए हैं। और लेड आउट मतलब दोस्तों, लेड आउट यहाँ पर एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब दोस्तों कई सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है जो साफ तौर पर दिखाया गया है, जो प्रीएम्बल में साफ तौर पर जो कोर प्रॉमिस दिखाया गया है लोग उसी से पलट गए हैं, उसी से मुकर गए हैं। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है प्यूट्रीफैक्शन। प्यूट्रीफैक्शन मतलब दोस्तों है भ्रष्टाचार यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी मेन मीनिंग दोस्तों ये है द प्रोसेस ऑफ डीके, मतलब जो डीके होने का, मतलब झरने का या फिर कह सकते हैं एक तरीके से सड़ने का जो प्रोसेस होता है वो। अब दोस्तों इसके सिनोनिम्स हैं एडल्टरेशन। एडल्टरेशन मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ में कोई दूसरी चीज़ डालकर उसे अपवित्र कर देना, अशुद्ध कर देना या ख़राब कर देना। अब अगला है दोस्तों डिकम्पोजिशन। ये तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा साइंस का, ये साइंस में बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब दोस्तों यही होता है किसी चीज़ का सड़ना, ख़राब होना। अब जैसे हम लोग का साइंस में यूज़ होता है तो इस ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपने सुना होगा जो डेड प्लांट्स वगैरह होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरियाज के थ्रू। अब इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं बेटरमेंट। बेटरमेंट मतलब अच्छा होना, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब ग्रो करना। अब इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों, एट एन अर्ली एज मैथ्यू
contributed to our knowledge of the causes of putrefaction and fermentation at an early age. मतलब शुरुआत के दिनों की बात कर रहे हैं जब ये स्टडी करते थे तब की, तब कह रहे हैं कि तब जो मैथ्यू हैं इन्होंने इनकी इस नॉलेज में बहुत ज़्यादा मदद करी थी, कॉन्ट्रीब्यूट करा था, मतलब सहयोग करा था. प्यूट्रीफिकेशन और फर्मेंटेशन, ये दोनों टर्म आपने साइंस में सुने होंगे, वहीं उसी से रिलेट करके यहाँ पर बताया गया कि प्यूट्रीफिकेशन और फर्मेंटेशन के लिए मैथ्यू ने इनके बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, कॉन्ट्रीब्यूट करा था. नेक्स्ट पर दोस्तों हम लोगों का है डिस्पॉयल. डिस्पॉयल मतलब दोस्तों होता है लूटना, स्टील और वायलेंटली रिमूव वैल्यूएबल पोजेशन फ्रॉम, या फिर प्लंडर. प्लंडर मतलब तो दोस्तों लूटना होता ही है. अब जो डिस्पॉयल वर्ड है ये दोस्तों मेनली यूज़ होता है जैसे कोई बहुत ही कीमती चीज़ है या फिर कोई बहुत ही पुरानी इमारत वगैरह है, वहाँ से आपने क्या किया कि कोई चीज़ चुरा ली, जिस वजह से वो चीज़ वहाँ की जो सुंदरता थी या फिर वहाँ का जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया, तो उसके लिए ज़्यादातर यूज़ करा जाता है कि वहाँ से आपने कोई चीज़ थी वहाँ से आपने वो चीज़ वो चुरा ली तो वहाँ की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई, तो उसके लिए ज़्यादा यूज़ करा जाता है. अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं डिसेक्रेट. डिसेक्रेट मतलब दोस्तों आप जानते हो सेक्रेट मतलब पवित्र होता है, डिसेक्रेट मतलब अपवित्र कर देना, अशुद्ध कर देना. और अगला है दोस्तों प्रोनाउंसिएशन, ध्यान से सुनिएगा इसे दोस्तों, पढ़ते हैं डेवाव. डेवाव डेवाव मतलब दोस्तों होता है, कई मीनिंग्स होती हैं यहाँ पर, इसकी मीनिंग्स है दोस्तों किसी चीज़ को ख़राब करना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना. और जो उसकी और भी मीनिंग्स होती हैं वो होती है दोस्तों किसी भी चीज़ को बहुत ईगरली करना, मतलब कि जैसे आप खाना खा रहे हो तो बहुत ईगरली खाना, चाव से खाना. और इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं कंस्ट्रक्ट. कंस्ट्रक्ट मतलब आप जानते हो बनाना. असेंबल. असेंबल मतलब जोड़ जोड़ कर इकट्ठा कर कोई चीज़ बनाना. इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों, वी मस्ट डिस्पॉयल आर एनमीज एंड हिज ऑब्जेक्टिव्स. हमें अपने एनमी जो हैं, दुश्मन जो हैं, उनको और उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, मतलब कि उनके प्लान वगैरह जो हैं, उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है इस्टा. ध्यान से प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा इस्टा. इसका मतलब दोस्तों होता है हलचल, मिक्सअप. मिक्सअप मतलब दोस्तों जैसे हम लोग अपने किचन में खाना वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जब भी सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसे बीच बीच में चलाते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं आपस में, तो वही होता है दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मिक्स करना, तो उसी को दोस्तों बोलते हैं स्टा. सिनोनिम्स दोस्तों हो सकते हैं इसके विप. विप मतलब आप जानते हो कोड़े मारना होता है. कोड़ा क्या होता है दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई स्टिक होती है, उसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं जानवर वगैरह पर यूज़ करते हैं उसे मूव कराने के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पर दोस्तों यूज़ करी गई है कि किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मूव कराने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करना. अब अगला दोस्तों है क्विवर. क्विवर मतलब दोस्तों होता है धीरे धीरे से हिलना डुलना या थरथराना, कांपना. अब इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं अनमिक्स. अनमिक्स मतलब अनमिक्स कर देना, मिक्स का अपोजिट है. अगला है दोस्तों सेपरेट. सेपरेट मतलब दोस्तों होता है अलग अलग करना. इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों, ही स्टर्ड अप द ड्रिंक फॉर अस टू ड्रिंक. उसने क्या किया, ड्रिंक को मिक्स करा हमारे पीने के लिए. जब भी कोई हम लोग ड्रिंक बनाते हैं तो आमतौर पर हम लोग क्या कई सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं, तो वही कह रहे हैं कि कई सारी चीज़ों को मिक्स करके उसने ड्रिंक बनाया हमारे पीने के लिए. नेक्स्ट वर्ड दोस्तों जो हम लोगों का है वो है विजेजेस. ध्यान से प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा विजेजेस. दोस्तों इसका मतलब होता है छवि, ह्यूमन फेस. ज़्यादातर दोस्तों इसका यूज़ कराया जाता है फेस के एक्सप्रेशंस के लिए. अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं एस्पेक्ट. एस्पेक्ट मतलब दोस्तों होता है दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं, किसी की स्टेट मतलब किसी की जो अवस्था है उसके बारे में बोल सकते हैं, किसी के गुणों के बारे में बोल सकते हैं. अगला दोस्तों है फीचर्स. फीचर्स मतलब आप जानते हो कि किसी, कहते नहीं कि आपके फेस के फीचर्स कैसे हैं, मतलब फेस कैसा दिख रहा है आपका, अपीयर कैसा कर रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है. अब दोस्तों इसके एंटोनिम्स हैं डिसअपीयरेंस, गायब होना, वैनिशिंग वो भी होता है गायब होना. एग्जाम्पल सेंटेंस दोस्तों इसका है, माई टीचर कैन सी ब्लरी विजेजेस फ्रॉम द डिस्टेंस. जो मेरी टीचर हैं वो देख सकती हैं ब्लरी विजेजेस, मतलब ब्लरी मतलब दूर, डिस्टेंस से देख रही हैं, दूर से देख रही हैं, तो उन्हें धुंधले धुंधले से ह्यूमन फेसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही हैं डिस्टेंस से देख रही हैं, तो उन्हें ब्लरी, ब्लरी मतलब दोस्तों ब्लर से है, ब्लर मतलब धुंधला सा दिखना, तो उन्हें ब्लरी विजेजेस दिख रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है इनोवेट. इनोवेट मतलब दोस्तों होता है कमज़ोर होना, लैकिंग इन एनर्जी और वाइटैलिटी. एनर्जी में कमी आना या फिर वाइटैलिटी मतलब कह सकते हैं फुर्ती, फुर्ती में कमी आना. अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं डेबिलिटेट. डेबिलिटेट मतलब दोस्तों होता ही है कमज़ोर या फिर दुर्बल, शक्तिहीन. अगला है दोस्तों एग्जॉस्ट. एग्जॉस्ट मतलब होता है दोस्तों जब
पूरा दिन हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती लास्ट में, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कि हम पूरी तरीके से थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एंटोनिम्स दोस्तों इसके हैं एनर्जाइज मतलब फिर से, या फिर एनर्जाइज मतलब फुल ऑफ एनर्जी हो जाना, फिर से एनर्जी भर जाना। स्ट्रेंथन मतलब फिर से स्ट्रेंथ पा लेना, ताकत पा लेना। अब इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों, ही वॉज इनोवेटेड बाय द मेटलसम पिकनिक। अब मेटलसम मतलब समझ लीजिए, मेटलसम मतलब दोस्तों होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी मतलब ऐसी पिकनिक जो बहुत ज़्यादा मस्ती वाली थी, उस वजह से आप क्या हो गए कि पूरी तरीके से थक गए। तो ही वॉज इनोवेटेड बाय द मेटलसम पिकनिक, वो मेटलसम जो पिकनिक थी उस वजह से पूरी तरीके से इनोवेट हो चुका था, थक चुका था। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों है वाओ। वाओ मतलब दोस्तों होता है शपथ, कसम, अ सॉलम प्रॉमिस। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसे सॉलम पढ़ते हैं। सॉलम मतलब दोस्तों होता है सीरियस, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर जो इसका सेंस है वो पवित्र से है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र प्रॉमिस, अ सॉलम प्रॉमिस। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं स्वेयर, स्वेयर मतलब तो आप जानते हो क्या होता है, कसम होती है। प्लाइट, प्लाइट मतलब दोस्तों होती है प्रतिज्ञा या फिर किसी चीज़ के लिए वचन जो ले लेते हैं वो। अगला है दोस्तों प्लेज, प्लेज मतलब होता है दोस्तों, इसकी मीनिंग्स कई सारी होती है लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों इसकी मीनिंग है उसका मतलब है वादा करना, और जो अलग मीनिंग्स हो सकती हैं दोस्तों इसकी वो हैं किसी चीज़ को जो गिरवी रखते हैं वो, या फिर किसी को बंधक बना लेना वो होता है। एंटोनिम्स दोस्तों इसके हैं डिसअवाओ, डिसअवाओ मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से त्याग देना, छोड़ देना। अगला है दोस्तों रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ से मुकर जाना, अस्वीकार कर देना। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका, आई वाउड myself to this enterprise, मैंने खुद को इस enterprise के लिए समर्पित कर दिया है, मतलब कि मैंने खुद से ये कसम खा ली है इस enterprise के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं मैं पूरी तरीके से इसी enterprise के लिए समर्पित हो चुका हूँ। आज का लास्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है persecute, persecute मतलब दोस्तों होता है सताना, कष्ट देना, किसी को परेशान करना। harass और annoy someone persistently, परसिस्टेंटली मतलब दोस्तों होता है लगातार, बिना रुके और गलत तरीके से। किसी को हरास मतलब तो दोस्तों आप जानते हो किसी को फिजिकली परेशान करना, और एनॉय मतलब तो परेशान होना ही है, और पर्सिक्यूट मतलब दोस्तों किसी को सताना, कष्ट देना, अत्याचार करना किसी पर। सिनोनिम्स दोस्तों इसके हरास हैं। अगला है हाउंड और है बेट। हाउंड मतलब दोस्तों होता है, इसकी दो मीनिंग्स होती हैं दोस्तों। हाउंड मतलब यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है वो ये है कि किसी को परेशान करना बहुत ज़्यादा, किसी का पीछा करना। और जो दूसरी मीनिंग इसकी होती है वो होता है दोस्तों शिकारी कुत्ता। आपने सुना होगा जो जंगली कुत्ते होते हैं या शिकारी कुत्ते होते हैं उनको हाउंड भी बोलते हैं। अगला है दोस्तों बेट, बेट की भी कई सारी मीनिंग्स होती हैं। बेट की जो यहाँ पर मीनिंग है वो दोस्तों ये है कि तंग करना, परेशान करना। और जो दूसरी मीनिंग होती है वो होती है ल्योर, ल्योर मीन्स दोस्तों किसी को लुभाना, किसी के सामने किसी को फंसाने के लिए चारा डालना। अब इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम पहुंचाना। सूद, सूद मतलब दोस्तों होता है किसी की परेशानी को कम करके उसे आराम देना। अगला है दोस्तों रीअश्योर, रीअश्योर मतलब दोस्तों होता है किसी को आश्वस्त करना, किसी को एक तरीके से अगर कोई परेशान है या चिंता में है तो उसे समझाना बुझाना, तो वो। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है दोस्तों, हिल्डा वॉज पर्सिक्यूटेड बाई सम ऑफ द अदर गर्ल्स। जो हिल्डा हैं वो उन्हें परेशान किया गया या तंग किया गया दूसरी गर्ल्स के द्वारा, या दूसरी गर्ल्स ने उन्हें परेशान किया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 10 वोकैब्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ आशीष मिश्रा और आपको मिलूँगा एक नए